नमस्कार, मैं हूं निशित कपाड़िया। आज सबसे पहले सूरत की जनता को धन्यवाद कहना चाहूंगा। लास्ट 10 दिनों से मैं और मेरी वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ नेचर क्लब सूरत डॉग स्ट्रीट का जो फीडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोगों ने छोटी चीजें ऑब्जर्व है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटी बात में कह जाऊंगा, बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं सूरत वाले। नेचर क्लब सूरत जैसी कई संस्था है, नेचर चोखा डॉग फीडिंग के लिए बना रहे अलॉन्ग विथ छाछ दही दूध और उसके अंदर थोड़ा डॉग फूड मिला के, ये बहुत ही सराहनीय कामगिरी है। इसमें छोटी छोटी टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अभी लॉकडाउन में है, पूरा सूरत लॉकडाउन में, वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट। बस एक छोटी रिक्वेस्ट है, हम लोग रस्ते में देख रहे हैं कि सब लोग पार्ले जी खिला रहे हैं। पार्ले जी इज नॉट गुड फॉर डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, उनसे उनके बाल झड़ जाते हैं, उससे ज्यादा दूध मत दीजिए। मैं आपको क्या नहीं करना है वो सबसे ज्यादा हम लोग रस्ते में देखते हैं पार्ले जी, क्योंकि इजीली अवेलेबल ऑप्शन है। आपकी सेवा उम्दा है, उसके लिए सच सच नमन। आपकी सेवा को, आपका भाव बहुत ही उम्दा है, इसके लिए पूरा जग विश्व आपको वंदन करता है आपकी ये सेवा के लिए। पर एक छोटी टिप्स, अगर आपके घर में 4-5 रोटी बची हुई है, 2 रोटी आपके गेट पे जाके डाल दीजिए। गर्मी 37 डिग्रीज चल रही है, कुत्तों को पानी नहीं मिल रहा है, तो छोटा सा बाउल लीजिए, उसके आपके घर के बाहर वो छोटा सा बाउल आपके गेट के बाहर सिक्योरिटी वाले को बोले, भाई दिन में 3 बार पानी भर दे। और हमने मार्क किया है, कुत्ते सुबह दोपहर की धूप में खाना नहीं खा रहे हैं। द बेस्ट टाइम फॉर फीडिंग द डॉग्स इज आफ्टर 6 o'clock इन द इवनिंग, जब थोड़ी धूप निकल आती है, लेस हो जाती है, तो वो लोग ज्यादा फूड खाते हैं। तो वो टाइम पे आप रोटी डाल सकते हैं, थोड़ा दूध में मिक्स करके, दूध में भी थोड़ा पानी डाल के। अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके घर में चावल है, तो चावल रॉ लीजिए, थोड़ा ही नमक, नमक ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा पेपर डाल के उसके अंदर दूध मिक्स कर सकते हैं, और आप छाछ भी मिक्स कर सकते हैं, और वो आप रख दीजिए। डॉग फूड आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड, लॉकडाउन चल रहा है, सबके पास अवेलेबल नहीं होगा, बट दिस इज द छोटा छोटा पॉइंट। रोटी डालिए, आप राइस डाल सकते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्ले जी अवॉइड करिए। जो बिस्किट शुगर फ्री होते हैं, शुगर नहीं होती है, शुगर फ्री इन द सेंस शुगर कंटेंट नहीं होता है, वो आप डाल सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम। जैसे डॉग बिस्किट्स आते हैं बाजार में, वो आप डालिए। आपकी सेवा को हम नमन करते हैं। सूरत में जिस आपदा इस विश्व के ऊपर आ चुकी है, उसके अंदर आप लोगों की सेवा धन्यवाद धन्यवाद के पात्र है। तो आप मेहरबानी करके पार्ले जी अवॉइड करिए। कोई सर्कमस्टेंसेस ना हो, आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो पार्ले जी यूज कर सकते हैं, उससे कुत्तों के बाल झड़ने लगते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर देम। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके नमन करता हूं, बट रोटी डालिए, आप राइस डाल सकते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें डालिए, पानी भर के रखिए, उससे बहुत ही बड़ी सेवा होगी। थैंक यू वेरी मच।